खबर है यूपी के फिरोजाबाद से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में थाना बसई मोहम्मदपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए अपनी शक्ति का एहसास कराया। एसओ बसई मोहम्मदपुर महेश कुमार ने लाउडस्पीकर द्वारा सभी क्षेत्रवासियों को निर्देश देते हुए बताया कि प्रत्याशी मतदान केंद्र से कम 200 मीटर की दूरी पर अपना अपना बस्ता लगाएंगे। पोलिंग बूथों पर मत पेटिका से छेड़छाड़ की तो एनएसए जैसी संगीन धाराओं में कड़ी कार्रवाई होगी। एसएसपी ने यह भी बताया कि यदि एनएसए जैसी संगीन धाराओं में कार्रवाई हुई तो जिंदगी खराब हो जाएगी। वहीं वोटिंग के दौरान गड़बड़ी फैलाने वालों को रोकने के लिए 12,000 से अधिक पुलिस फोर्स के साथ पीएसी के जवान भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि मतदान के लिए जिले में आगरा, मथुरा व मैनपुरी से भी फोर्स बुलाया गया है, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो सके। धारा 144 में यह लागू है कि 5 लोगों से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे ना हो तथा सभी लोग अपने अपने मत का प्रयोग करें। मतदाताओं से अनुरोध किया गया है कि घर से निकलते समय सभी मतदाता मास्क लगाकर आएं और 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ वैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। सभी मतदाता अपनी स्वेच्छा के साथ मतदान करें, किसी भी प्रत्याशी से ना डरे और ना ही किसी के बहकावे में आए, और ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपको व आपके परिवार को जोखिम उठाना पड़े। बताया जा रहा है कि यह फ्लैग मार्च नगला चुरा, तोतलपुर, सोफीपुर, गढ़ी तिवारी, शंकरपुर, नगला शेख आदि गाँवों से होकर गुजरा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।